गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सो वी आर हियर टुडे टू स्टार्ट अ पेपर नंबर 5, एडवांस अकाउंट्स ऑफ सीए इंटर ग्रुप 2। एंड एज ऑल यू नो हु आर इन सीए इंटर दैट दिस पेपर कंसिस्ट ऑफ 100 मार्क्स। अब इसमें तो कुछ बताने का है ही नहीं, 100 मार्क्स का है। यस, हर पेपर ही 100 मार्क्स का है सर। यस, अकाउंट्स पूरा 100 मार्क्स का है और इसमें आपको पूरा डिस्क्रिप्टिव पार्ट ही अटेम्प्ट करने का रहेगा विदाउट एनी एमसीक्यू। कोई चॉइस एमसीक्यू क्वेश्चंस नहीं है। सो माई सेल्फ नितिन एंड आई एम टीचिंग सिंस 15 ईयर्स एंड नाउ आई एम हियर टू टीच यू एडवांस अकाउंट्स। एंड टुडे आई एम गोइंग टू टेक द इंटरेस्टिंग टॉपिक, the first topic that is interesting one, and that is ESOP, employees stock option plan। before starting this chapter thoda sa iska scenario samajhte hain, ye basically hai kya ye। so you samjhe, api ko lete hain, ye prashant ne apna ca complete kar liya, campus interview mein gaye, job lag gaya। कैलिबर है यार, कैंपस इंटरव्यू, फर्स्ट इंटरव्यू में जॉब मिल गया। अब आप जॉब करके कंपनी में जॉब मिल गया, आपका पैकेज था 10 लाख पर एनम। सो यहां हमारे पास प्रशांत है जिन्होंने सीए कंप्लीट करके कैंपस इंटरव्यू से एक जॉब लिया कंपनी एक्स वाई जेड लिमिटेड में और उनका पैकेज था 10 लाख एंड ही इज वेरी मच हैप्पी। यस, और कंपनी भी बहुत हैप्पी है क्योंकि उन्हें एक कैलिबर वाला एम्प्लॉय मिला है, पोटेंशियल एम्प्लॉय मिला है जिसमें बहुत दम है, बहुत है, लग रहा है कंपनी को कि यार बहुत पोटेंशियल है, बहुत अच्छे स्कोर से उन्होंने अपना सीए कंप्लीट किया है। सो कंपनी इज वेरी मच हैप्पी कि यस, दिस एम्प्लॉय विल प्रूव हिमसेल्फ इन कंपनी और ये हमारे लिए एक असेट होगा। तो कंपनी ने भी अपना एफर्ट स्टार्ट किया उस पर्सन पे, प्रशांत पे, उसको ट्रेन करने के लिए कि किस तरह से हमारी कंपनी काम करती है और किस तरह से आपको उन काम को देखना है। एंड दैट टेक्स 6 मंथ 8 मंथ, जब तक प्रशांत कंफर्टेबल हुआ उस सिनेरियो से, बिकॉज जस्ट जॉब, फर्स्ट जॉब था तो कुछ पता ही नहीं था करना कैसे, लेकिन 6-8 मंथ के अंदर अंदर ही बिकम दैट मच कंफर्टेबल विद द एनवायरमेंट। और कंपनी ने भी पूरा एफर्ट लगाया उस पीरियड में, कोई आउटपुट नहीं लिया प्रशांत से, कोई आउटपुट नहीं लिया, लेकिन सिर्फ कंपनी ने उसे ट्रेन करने में अपना एफर्ट लगाया। और जब वो ट्रेन हो गया उसके 3-4 महीने बाद ही एक जेड लिमिटेड कंपनी से प्रशांत को ऑफर आ गया कि सर आ जाओ मेरी कंपनी में, 15 लाख का पैकेज देता हूं। अभी क्या होगा, जाओगे? अरे बिल्कुल भैया, बिल्कुल जाएगा भाई, जाएगा, पूछने का है ही नहीं। अभी यहां कोई कमिटमेंट नहीं चलता, यहां हमारे दिमाग में एक ही चीज चलता है, ग्रोथ 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 ग्रोथ। Every person wants growth, every employee wants growth। और जब उसे growth के लिए दूसरा option मिल रहा है, other company उसे एक बढ़िया package पे अपना employee appoint करने को ready है, will he stop? क्या XYZ इस company से इतना लगाव हो गया कि नहीं सर हम तो अपनी company छोड़ के नहीं जाने वाले, इस company ने मुझे सिखाया है काम, मैं नहीं छोड़ूंगा, है ऐसा कोई commitment? नहीं है भैया, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, हो भी नहीं सकता। तो डेफिनेटली ही विल लीव द कंपनी एंड विल जॉइन जेड लिमिटेड। अभी आप सोचो एक्सवाइज लिमिटेड के मैनेजमेंट का मेंटल स्टेटस क्या हो गया, यार इतना बढ़िया बंदा था, इतना बढ़िया एम्प्लॉय था, हमने 8 महीने उस पर खर्च कर दिए उसको ट्रेन करने में और छोड़ के चला गया। ऐसा सिर्फ प्रशांत ने नहीं किया और ऐसा सिर्फ एक्सवाइज जेड के एक एम्प्लॉय ने नहीं किया और ऐसा सिर्फ एक्सवाइज जेड के साथ नहीं हुआ, ऐसा ऑलमोस्ट सभी कंपनीज के साथ होता है। ऐसा ऑलमोस्ट सभी कंपनीज के साथ होता है कि कंपनी में एम्प्लॉई स्विच करते हैं क्योंकि एवरीवन वांट्स ग्रोथ, एवरीवन वांट्स ग्रोथ, और जहां भी उन्हें एक्स्ट्रा पोटेंशियल मिलेगा, एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगा, एक्स्ट्रा पैकेज मिलेगा, वो स्विच करेंगे। लेकिन आप एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, आप एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, एक्स वाई लिमिटेड, एक्स वाई जेड लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि इस कंपनी ने अपना एक इतना एफर्ट उस एम्प्लॉय पे लगाया और एम्प्लॉय ऐसे छोड़ के चला गया और इसकी जगह अब नया एम्प्लॉय अपॉइंट करना है और उसे वापस पूरा ट्रेन करना पड़ेगा। अब वापस उसे पूरा ट्रेन करने में कंपनी एफर्ट लगेगा, एक्सपेंसिस लगेगा, तो कंपनी के माइंड में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, यार क्या करें, यार कैसे हम इन एम्प्लॉयज को रोकें, हम कैसे इन्हें स्विच करने से रोकें। तो कंसल्टेंसी बिठाया, एक ऑप्शन सीधा सीधा आता, सर सैलरी बढ़ा दो। अरे यार इट इज नॉट द सॉल्यूशन कि सैलरी बढ़ा दो, सैलरी में जो इंक्रीमेंट आना है दैट
डेफिनेटली विल कम सर, बोनस देंगे ना भाई, बंदा काम करेगा, हर साल का इंक्रीमेंट, हर साल का बोनस वो मिलेगा, लेकिन फिर भी पैकेज तो चेंज नहीं कर। आप कुछ ऐसा उसके साथ करो, उसको कुछ ऐसा लालच दो, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसा लालच दो कि उस लालच में वो आपकी कंपनी से चिपक जाए। और इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए एक ऐसा कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया गया जो कि पहचाना जाता है ओनली ईएसपी, जिसे हम बोलते हैं शेयर बेस्ड पेमेंट, शेयर बेस्ड पेमेंट। एंड देर आर थ्री डिफरेंट कॉन्सेप्ट अंडर दिस शेयर बेस्ड पेमेंट, ईएसओपी एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान, ESPS employees stock option scheme, and third one आपके सिलेबस में अभी नहीं है, और वो है प्राइस appreciation स्कीम। लेकिन इन तीनों चारों जितनी भी स्कीम्स हमारे पास हैं, वो सारी स्कीम अल्टीमेटली एक टर्म के साथ जुड़ी हुई है, एंड दैट इज शेयर्स। क्या किया कंपनी ने, क्या दिमाग लगाया कंपनी ने, दिमाग लगाया कि कंपनी ने प्रशांत को फोन किया, भाई क्या कर रहे हो। उन्हें पता चल गया कि पर्सन इज गोइंग टू लीव द कंपनी बिकॉज अदर कंपनी उसे अच्छा पैकेज दे रही है। तो उन्होंने इसको फोन किया कि भाई यदि तुम मेरी कंपनी में एक स्पेसिफाइड पीरियड तक काम कर लोगे, मतलब यार रुको यार कहां जा रहे हो, पैकेज तो तुम्हारा भी यहां रुकोगे कुछ टाइम में इतना हो जाएगा, लेकिन हम तुम्हें एक ऐसा बेनिफिट देने वाले हैं, जो बेनिफिट सुन लो एक बार और वो बेनिफिट समझ लो, वो ऐसा बेनिफिट देने वाले हैं कि तुम डेफिनेटली हमारी कंपनी छोड़ के नहीं जाओगे। क्या सर बताइए, ऑफर तो दीजिए। तो कंपनी ने उसे ऑफर दिया, एक काम करो तुम मेरी कंपनी में 3 साल तक काम करो, छोड़ के नहीं जाओगे, 3 साल बाद मेरा कमिटमेंट है, 3 साल तक यदि तुम मेरी कंपनी में काम कर लिए तो 3 साल बाद मैं अपनी कंपनी के 2000 शेयर्स, मैं अपनी कंपनी के 2000 शेयर्स जो कि मार्केट प्राइस चल रहा है उसका 500 रुपीज पर शेयर, वो मैं तुम्हें 50 रुपए में दे दूंगा। I will give you 2000 shares of my company that are traded in the market at 500 rupees per share just only for 50 rupees. But उसके लिए आपको मेरे साथ 3 साल रुकना पड़ेगा, 3 साल मेरे लिए काम करना पड़ेगा, मेरी कंपनी में मुझे सर्व करना पड़ेगा। बोलो क्या कहते हो, ऑप्शन पसंद आया? चलो 2000 शेयर, नहीं सर कम लग रहा है, चलो 2000 नहीं 12000 शेयर ले लो, अब ऑप्शन पसंद आया। और भैया 3 साल बाद दूंगा मैं, 3 साल बाद भी 50 रुपए में ही दूंगा, और तब तक मार्केट प्राइस आप देख रहे हो, आपकी आपने देखा ना हमारी कंपनी का पोटेंशियल कितना है, आज है मार्केट प्राइस 500 रुपए, 3 साल बाद ये 5000 हो जाएगी, ये मैं पहले बता रहा हूं, सोच लो। अभी समझ में आ रहा है ऑप्शन, अभी ये ऑप्शन समझ में आ रहा है, मतलब ये ऑफर समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है। हाँ यार सर बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है यार, आई एम रेडी टू स्टे। लेकिन सर 3 साल बाद मुझे ये शेयर्स लेने ही पड़ेंगे क्या? नहीं सर, 3 साल बाद आपको शेयर नहीं, मैं आपको बोल रहा हूं आप रुक गए तो आपको मैं 12,000 शेयर्स 500 रुपीज की एमआरपी वाले, आज की मार्केट प्राइस वाले 50 रुपए में दूंगा। लेना नहीं लेना आपकी चॉइस है, लेना नहीं लेना आपकी चॉइस है। अभी ऑफर अच्छा लगा, बाउंस नहीं कर रहा कि सर अभी तो 500 रुपए मार्केट प्राइस है, हमें लग रहा है ये 5000 हो जाएगा, लेकिन यदि ये 500 रुपए का मार्केट प्राइस डाउन होकर 300 रुपए आ गया तो फिर ऑफर सर अट्रैक्टिव नहीं रहेगा उस वक्त, तो मैं तो फंस जाऊंगा। नहीं बेटा नहीं फंसोगे, मैं आपको बाउंड नहीं कर रहा कि ये 12000 शेयर आपको लेना ही लेना है, मैं आपको ऑफर दे रहा हूं, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं कि यदि आपको उस वक्त, कब, 3 साल के बाद यदि आपको लगे कि हाँ यार मुझे ये शेयर्स लेना है, तो ये ऑफर आपके लिए उस वक्त ओपन रहेगा, आप कंपनी के 12,000 शेयर्स 50 रुपीज पर शेयर की प्राइस पे सब्सक्राइब कर सकते हो, दैट्स योर चॉइस। अभी ऑफर अट्रैक्टिव है। अब ऐसे ऑफर यदि कंपनी देगी तो एम्प्लॉई डेफिनेटली सोचेगा कि यार कंपनी में रुक के देखते हैं, मीनवाइल इंसेंटिव तो मिल ही रहा है, मीनवाइल इंक्रीमेंट तो मिल ही रहा है, मीनवाइल बोनस तो मिल ही रहा है, और क्या पता अच्छी ग्रोथ इसी कंपनी में मिल जाए, और साथ में इतना बड़ा ऑप्शन, इतना बड़ा चॉइस भी तो दे दिया कंपनी ने, विल आई वांट स्टे इन द कंपनी, एंड दिस ऑफर इज नोन एज एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान, द फुल नेम इज एम्प्लॉई
स्टॉक ऑप्शन प्लान, सारी चीजें यहीं पे क्लियर है। एम्प्लॉय को दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है? स्टॉक, लेकिन ऑप्शन दिया जा रहा है। तो तीनों वर्ड यहीं पे हैं। एम्प्लॉयज विल गेट ऑप्शन टू सब्सक्राइब दी शेयर्स ऑफ द कंपनी आफ्टर फुलफिलिंग अ पर्टिकुलर कंडीशन स्पेसिफाइड दैट टाइम। कंपनी जो एक कंडीशन स्पेसिफाई किया, एम्प्लॉय ने यदि वो कंडीशन पास ऑप्शन होगा कि वो कंपनी के शेयर्स स्पेसिफाइड प्राइस पे सब्सक्राइब कर पाए। ऑल थिंग इज क्लियर। थोड़ा सा टेक्निकल करते हैं, कॉन्सेप्चुअली बात समझ में आ गई कि हम क्या बात करने जाने वाले हैं। हम बात करने जाने वाले हैं एम्प्लॉय को रोकने के लिए, एम्प्लॉय में एक कमिटमेंट क्रिएट करने के लिए, एम्प्लॉय के अंदर के प्रति वो क्या कहते हैं, विश्वास जगाने के लिए और कंपनी के प्रति प्यार जगाने के लिए, उसको रोकने के लिए हमने उसे अच्छा सा ऑफर दे दिया कि आप कंपनी के शेयर दिए जाएंगे कम प्राइस पे, दे हो सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट ही दे दें हम आपको। वो डिसाइड करके बता दिया उसको, लेकिन उसके लिए कंडीशन डाल दिया, आपको ये कंडीशन फुलफिल कर, और जैसे आप ये कंडीशन आपको शेयर मिल जाएंगे। अब इसको थोड़ा सा टेक्निकल लेके चलते हैं, और टेक्निकल लेने के लिए एक टाइमलाइन डिजाइन करते हैं। से 1 अप्रैल 2019, इस दिन कंपनी ने अपने एम्प्लॉइज को बोला, इस दिन, एक सेकेंड गाइस, फर्स्ट अप्रैल 2019, इस दिन कंपनी ने अपने एम्प्लॉइज को बोला कि इफ सर्व फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, इफ यू विल सर्व फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर इन माई कंपनी, इफ यू विल कंप्लीट द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स इन माई कंपनी एज योर सर्विसेज, आपने ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3 सक्सेसफुली कंपनी में सर्व कर लिया, तो इस दिन के बाद नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर आपको चॉइस है, आपको ऑप्शन है कि आप कंपनी के शेयर्स सब्सक्राइब कर सकते हो। उन्होंने शेयर्स भी बता दिए कि हम हर एम्प्लॉई को 3,000 शेयर्स देंगे एट द प्राइस ऑफ 10 रुपीज पर शेयर। हम हर एम्प्लॉय को 3,000 शेयर्स देंगे एट द प्राइस ऑफ 10 रुपीज पर शेयर, बट फॉर दैट यू हैव टू सर्व टू द कंपनी कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 3 ईयर। गॉट इट? यानी ये हो गया आपका अप्रैल 19 से अप्रैल 21 ईयर, अप्रैल 21 2 ईयर, अप्रैल 22, और अप्रैल 22 ना बोल के क्या बोलेंगे इसे हम? पहला ईयर कब खत्म हो रहा है हमारा? फर्स्ट ईयर कब खत्म हो रहा है? फर्स्ट ईयर हो रहा है 31 मार्च 20, 31 मार्च 21, 31 मार्च 22। 3 साल पूरे हो गए। 3 साल पूरे होने के बाद, 3 साल पूरे होते ही 3 साल आपने सर्विस दे दिया, 3 साल कंपनी में बने रहे, मतलब आपने हमारी कंडीशन पूरी कर दी। अब कंडीशन पूरी करने के बाद हम आपको सोचने के लिए 1 साल का टाइम, और सब हाइपोथेटिकल वैल्यूज ले रहा हूं, बस सब हाइपोथेटिकल ले रहा हूं, ऐसा कोई लिखा नहीं है कि 3 साल ही और 1 साल ही, ये दिमाग में जो आया वो यहां पे मैंने लिख दिया। 3 ऑप्शन दिमाग में आ गए, 4 साल बोल सकती है, 5 साल बोल सकती है, 2.5 बोल सकती है। कंपनी बोलती नहीं 1 महीना काम करो ले जाओ ऑप्शन, कंपनी का नहीं 1 महीना नहीं बोल सकते, क्यों? मिनिमम सर्विंग पीरियड 1 साल होना जरूरी है, 1 साल से कम सर्विंग पीरियड पे ऐसा ऑप्शन नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। मिनिमम सर्विस पीरियड 1 ईयर मस्ट बी देयर, ठीक है। अब कंपनी ने बोला कि सर आपने टर्म कर दी, कंडीशन पूरी कर दी, सप्लाई कर दिया आपने हमें, आपने हमारे लिए बहुत अच्छा कमिटमेंट दिखाया, अब आप ये 3,000 शेयर कंपनी के 10 रुपए की प्राइस पे, उस दिन मार्केट प्राइस जब हमने ऑफर दिया था मान लीजिए 100 रुपए चल रही थी,
अब कंपनी ने बोला कि सर आपने टर्म्स पूरी कर दी, कंडीशन पूरी कर दी, आपने सर्टिफाई कर दिया, अब आप ये 3000 शेयर लेने के हकदार बन चुके, लेकिन दैट यू विल डिसाइड कब, कब 31 मार्च 2022 से 31 मार्च 2023 के बीच में एक साल का टाइम आपको सोचने के लिए दिया है कि क्या आप सब्सक्राइब करना चाहते हो। इफ यस तो कंपनी को यस थम्स अप कर दीजिए, और नहीं करना चाहते हो तो जाने दो यार डस्ट में, दैट ऑप्शन विल गो इन डस्ट, मतलब लैप्स हो जाएगा। मेरी मर्जी, नहीं चाहिए शेयर्स, नहीं है मार्केट में, प्राइस इतना अच्छा नहीं है, अट्रैक्टिव नहीं लग रहा, मेरे पास इतना कैश नहीं है, मैं नहीं इन्वेस्ट करना चाहता, मैं अभी कंपनी वैसे भी छोड़ने वाला, छोड़ दो ना, किसने बोला है? कंपनी का ऑप्शन आपके लिए फिर भी है, क्योंकि आपको कंडीशन 3 साल का सर्विस देने का रखा था, आपने पूरा कर दिया, तो आपके पास चॉइस है, अभी मैं क्या छोड़ सकता हूं? हाँ बिल्कुल छोड़ दो ना, किसने मना किया? 3 साल का कंडीशन पूरा कर दिया, हाँ। शेयर्स लेके छोड़ोगे या बिना ले, ये बता देना। शेयर्स बिना लिए छोड़ते हो तो वैसे ही ओपन हो हमेशा ही, शेयर्स लेके भी, हाँ शेयर्स लेके क्या छोड़ सकता हूं, क्या उन शेयर्स को लेके बेच सकता हूं मार्केट में? हाँ दैट्स योर चॉइस। हाँ कंपनी उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है कि भैया आपने यहां पे शेयर्स लेने का ऑप्शन चूज, अगले 3 साल बेचने नहीं देंगे हम आपको, यू आर नॉट अलाउड। वो लॉक इन हो सकता है वो टर्म्स बाद। अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट समझते हैं कि हमें क्या करना है। तो ये प्लान टाइम ले आउ लाइनअप समझ में आया। इस टाइम लाइनअप पे हम कुछ टर्मिनोलॉजीज लेके चलते हैं, इस टाइम लाइनअप पे हम कुछ टर्मिनोलॉजीज लेते हैं। सबसे पहले द डेट, जिस दिन कंपनी ने एम्प्लॉयज को ये शर्त रखी, एम्प्लॉयज के सामने ये ऑफर रखा, दैट डेट इज नोन एज ग्रांट डेट, इज नोन एज ग्रांट डेट। ग्रांट डेट का मतलब क्या है? ऑफर एग्रीमेंट एक तरह से बना लिया, सिर्फ ऑफर ही नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में, कॉन्ट्रैक्ट बन गया है जिस कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली लिखा है हम आपको ऑफर दे रहे हैं 3 साल काम करने का, आप कर लो, हम बाउंड हैं आपको शेयर्स देने के लिए। जिस दिन कंपनी ने ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया, एक लेटर लेगी, उस पे ये कॉन्ट्रैक्ट लिखेगी, साइन करेगी, एम्प्लॉयज को हैंडओवर कर देगी, दैट डेट इज नोन एज ग्रांट डेट। डेट ऑन विच ऑप्शन गिवेन टू एम्प्लॉइज, डेट ऑन विच ऑप्शन गिवेन टू द एम्प्लॉइज, दैट इज नोन एज ग्रांट डेट। ठीक है सर, ग्रांट डेट। ग्रांट डेट के बाद क्या टर्म कंडीशन लगाया? 3 साल काम करना पड़ेगा। अब ये 3 साल जो काम करना पड़ेगा, 3 साल बाद जो ये डेट आया 31 मार्च 2022, ये डेट कहलाता है वेस्टिंग डेट, ये डेट कहलाता है वेस्टिंग डेट। वेस्टिंग, वेस्टिंग का मतलब क्या है? वेस्ट मतलब क्या है? वेस्टिंग का मतलब क्या है? वेस्टिंग डेट का मतलब क्या है? वेस्टिंग का मतलब है एम्प्लॉय ने टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल कर दिए हैं, नाउ ही इज एलिजिबल टू सब्सक्राइब द शेयर्स। तो ये डेट ऑफ एलिजिबिलिटी है, एम्प्लॉय फुलफिल कंडीशन ऑफ वेस्टिंग कैन सब्सक्राइब द शेयर्स। एम्प्लॉय ने कंडीशन फुलफिल कर दिया, अब वो शेयर सब्सक्राइब कर सकता है, नाउ ही इज एलिजिबल टू सब्सक्राइब दी शेयर्स। अभी उसको शेयर सब्सक्राइब करने का पूरा अधिकार मिल गया। सर आपकी जो बात थी हमने मान ली, आपका ऑफर हमने एक्सेप्ट कर लिया, हमने 3 साल कंपनी को सर्विस दे दिया, अब आप हमें शेयर्स दे दीजिए, अब आप हमें शेयर्स दे दीजिए। देना नहीं दे, लेना नहीं लेना मेरी चॉइस है, ठीक है। थर्ड डेट हमारे पास ये है 31 मार्च 2023, ये कहलाती है एक्सरसाइज डेट। एक्सरसाइज डेट का मतलब इस दिन तक आप अपना ऑप्शन ले सकते हो, कब से?
वेस्टिंग पीरियड से एक्सरसाइज डिच का जो ये पीरियड है, ये पीरियड आपको इसलिए दिया गया है कि भैया सोच लो, चाहिए तो फोन कर देना, हम आपको शेयर्स दे देंगे, नहीं चाहिए तो ठीक है, आपकी चॉइस। ठीक है, अब आती है ये कंडीशन। कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या आती है? करना है कोई कंडीशन होगी क्या? ऐसी ही कोई कंडीशन होगी? हम बोलते हैं सर, कंडीशन दो तरह की होती है। एक कहलाती है सर्विस कंडीशन और कंडीशन। सर्विस कंडीशन, परफॉर्मेंस कंडीशन, दो रखी जा सकती हैं, दो तरह की कंडीशंस रखी है। सर्विस का मतलब यहां बात कर रहे थे, आप रिस्ट्रिक्शन डाल दिया गया कि आप हमारी कंपनी में रुकिए और एक स्पेसिफाइड पीरियड तक सर्विस करिए, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं चाहिए हमें आपसे। हमने आप पे 6 महीने 8 महीने खराब किए, आप पे मेहनत की, आपको ट्रेन किया, अब हम चाहते हैं कि उस ट्रेनिंग एफर्ट का हमें आउटकम मिले, और उस आउटकम के लिए हम चाहते हैं कि आप हमारे यहां एक स्पेसिफाइड पीरियड तक। सर्विस कंडीशन में आपको फिक्स्ड पीरियड, जनरली फिक्स्ड पीरियड दे दिया जाता है, जिस फिक्स्ड पीरियड तक आपको कंपनी में सर्विस देनी है। ये तो क्लियर है, सिंपल है, लेकिन सर फिर ये क्लियर परफॉर्म करके दिखाओ, के दिखाओ, हम आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि हम आपको शेयर्स देंगे या नहीं देंगे। तो परफॉर्मेंस में हम एक्सपेक्ट करते हैं अ परफॉर्मेंस फ्रॉम द एम्प्लॉई, और इसको भी दो पार्ट में बोल सकते हो, मार्केट बेस्ड परफॉर्मेंस और नॉन मार्केट बेस्ड परफॉर्मेंस। मार्केट बेस्ड परफॉर्मेंस एंड नॉन मार्केट बेस्ड परफॉर्मेंस, अभी ये क्या है? मार्केट बेस्ड परफॉर्मेंस क्या होता है? एनी आइडिया? मार्केट बेस्ड, कंपनी ने कंडीशन लगा दी, आप इतनी मेहनत करो कंपनी के अंदर, हम छोटी मोटे एम्प्लॉय की बात नहीं कर रहे, हम यहां बात कर रहे हैं मैनेजमेंट में, आप यार सीए करके गए हो मैनेजमेंट में, अच्छी पोजीशन पे डायरेक्टर हो सकते हो कंपनी के, सीईओ हो सकते हो कंपनी के, सीएफओ हो सकते हो कंपनी के, तो आप पे एक परफॉर्मेंस प्रेशर डाल दिया गया। सर एक काम करिए, कंपनी के शेयर की मार्केट प्राइस को यहां से दोगुना कर दीजिए यार, कंपनी के शेयर। सर मेरे हाथ में है क्या? आप ही के हाथ में है बॉस, आप ऐसा स्ट्रैटेजी बनाओ, आप ऐसा बिजनेस प्लान, बिजनेस मॉड्यूल डिजाइन करो, ऐसा फाइनेंस स्ट्रैटेजी डिजाइन करो, कंपनी के शेयर में इंटरेस्ट क्रिएट करो, कंपनी की ग्रोथ डिजाइन करो, शेयर प्राइस तो बढ़ ही जाएगी। तो मार्केट बेस्ड कंडीशन में ये डाल दिया, कंपनी की शेयर प्राइस आज यहां 100 रुपए पे है, हमें चाहिए 200 रुपए। जिस दिन कंपनी की मार्केट प्राइस 200 रुपए पहुंच गई, आपका ऑप्शन ट्रिगर हो गया, सर हम आपको शेयर्स दे देंगे। ये तो बहुत और ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट हो गया, आपको शेयर तो 10 रुपए में ही मिलने वाला था ना यहां पे, और अभी प्राइस 100 रुपए थी, अभी आप ही के ऊपर प्रेशर है, आप ही की कंडीशन है, आप ही की टर्म है कि आपको 100 रुपए की मार्केट प्राइस को कहां लेके जाओगे, 200 रुपए, 200 रुपी डबल, और शेयर आपको कितने में मिलेगा? 10 रुपी में। यस, ये कहलाती है मार्केट बेस्ड कंडीशन। नॉन मार्केट बेस्ड कंडीशन का मतलब आपको कंपनी के अंदर कोई टारगेट दे दिया जाएगा, लाइक कंपनी का सेल्स रेवेन्यू यहां पहुंचाना है, लाइक कंपनी के प्रॉफिट में इतना इंक्रीज लाना है, एवरी ईयर 20% की ग्रोथ चाहिए सर हमें, इस साल 10 करोड़ का प्रॉफिट था, अगले साल 12 करोड़ होना चाहिए, उसके अगले साल 14.4 करोड़ होना चाहिए, आप हर साल एवरेज 20% की ग्रोथ ला दो, आपका ऑप्शन ट्रिगर हो जाएगा, आपका ऑप्शन आप में वेस्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने क्या करी? वेस्टिंग कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, और जैसी वेस्टिंग कंडीशन सेटिस्फाई होगी, यू आर एलिजिबल फॉर गेटिंग द शेयर्स, यू आर एलिजिबल टू गेटिंग द ऑप्शन। हाँ, लेना नहीं लेना अगेन आपकी चॉइस है, उस पर हम नहीं जा रहे। ये क्लियर हुआ? टम ग्रांट डेट, वेस्टिंग, वेस्टिंग पीरियड, एक्सरसाइज पीरियड और वेस्टिंग कंडीशन। कंडीशन में हमारे पास दो तरह की कंडीशन हो गई, सर्विस कंडीशन, परफॉर्मेंस कंडीशन। परफॉर्मेंस कंडीशन, सर्विस कंडीशन स्पेसिफिक पीरियड हो गया जो आपको बता दिया गया, इतने पीरियड सर्व करना है। परफॉर्मेंस कंडीशन में मार्केट बेस्ड, नॉन मार्केट बेस्ड। अभी
हमें जनरली ये कंडीशंस, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, जहां सर्विस कंडीशन होती है वहां बहुत क्लियरली आपको लिखा हुआ आएगा 3 साल का वेस्टिंग पीरियड, 2.5 साल का वेस्टिंग पीरियड, 4 साल का वेस्टिंग पीरियड, बहुत क्लियरली स्पेसिफाइड होगा। और कंपनी चाहे तो आगे जाके उस वेस्टिंग पीरियड को कम करना चाहे तो कम कर ले कि यार हम सेटिस्फाइड है अपने एम्प्लॉय से, वो कहीं नहीं जाने वाले। मार्केट बेस्ड कंडीशन और नॉन मार्केट बेस्ड कंडीशन भी बहुत क्लियरली स्पेसिफाई होगी कि हमें क्या चाहिए एम्प्लॉय से, वॉट वी वॉन्ट फ्रॉम एम्प्लॉय, और उसने क्या करके दिया हमें, हम कंपेयर कर लेंगे कि या उसने कंडीशन पूरी की या नहीं। तो यहां तक की स्टोरी हमें यह बोलती है कि कंपनी अपने एम्प्लॉयज को एक ऑप्शन देती है ग्रांट डेट पे कि आप अपनी कंपनी का वेस्टिंग पीरियड या आप अपनी कंपनी का वेस्टिंग कंडीशन फुलफिल करो ड्यूरिंग दैट वेस्टिंग पीरियड, देन यू विल बी एलिजिबल टू गेटिंग द शेयर्स ऑफ द कंपनी एट वेरी लोअर प्राइस देन द मार्केट प्राइस, एंड फॉर दैट यू हैव अ चॉइस टू ऑप्ट द ऑप्शन और रिजेक्ट द ऑप्शन। सर मैं कहां रिजेक्ट कर सकता हूं, कब रिजेक्ट कर सकता हूं ऑप्शन को? आप कभी भी रिजेक्ट कर सकते हो, कभी भी रिजेक्ट कर सकते हो। कैसे सर? आप वेस्टिंग पीरियड में मना कर दो, सर नहीं चाहिए मुझे ये ऑप्शन। ठीक है सर, हम मान लेंगे आप अपनी हमारी कंपनी में 3 साल काम नहीं करना चाहते हो। सर मैं काम तो करना चाहता हूं, ऑप्शन नहीं चाहिए, आपकी चॉइस है। सर मैं छोड़ के जाना चाहता हूं, ऑटोमेटिकली ऑप्शन आपने रिजेक्ट कर दिया। यदि आप इस वेस्टिंग पीरियड में कंपनी छोड़ के चले गए तो आपने कंडीशन वॉयलेट कर दी। तो ये चीज मुझे आपको अभी समझाने, इस स्टेज पे समझाने की जरूरत नहीं कि क्या होगा। वेस्टिंग कंडीशन फुलफिल करो, सर्विस कंडीशन और मार्केट कंडीशन और परफॉर्मेंस कंडीशन और ऑप्शन आपके हाथ में आ गया। लेटर हम आपको डे वन पे दे देंगे। लेटर इनिशिएट कब होगा? लेटर इनिशिएट कब होगा? ऑप्शन इनिशिएट कब होगा? वेस्टिंग पीरियड, वेस्टिंग कंडीशन फुलफिल करने के बाद। यहां तक स्टोरी वेरी मच क्लियर। आगे चले, टर्म क्लियर करते चलिएगा। ग्रांट डेट, वेस्टिंग की बात हम कर चुके, वेस्टिंग कंडीशन की बात हम कर चुके हैं, 3 टर्म हो गए हमारे पास। नेक्स्ट सर किस प्राइस पे शेयर्स दोगे आप हमें, पहले बताओगे? बिल्कुल पहले बताएंगे। एक्सरसाइज प्राइस, प्राइस एट विच ऑप्शन साइज्ड, दैट इज Shares can be subscribed, वो प्राइस जिस प्राइस पे हम आपको शेयर्स दे रहे हैं, इन layman, फॉर अ layman, सिंपल टर्म में जिस प्राइस पे हम आपको शेयर्स दे रहे हैं वो प्राइस कहलाएगी एक्सरसाइज प्राइस। वो प्राइस कहलाएगी एक्सरसाइज प्राइस। किस प्राइस पे? क्वेश्चन बता देगा यार, किस प्राइस पे देंगे हम आपको शेयर्स, क्वेश्चन बता देगा आपको। पर एक चीज क्लियर है, क्या वो प्राइस फिक्स होगी और मार्केट प्राइस से डेफिनेटली कम होगी? ये क्लियर है, मार्केट प्राइस से कम नहीं हुई तो क्या फिर हलवा सीखने के लिए रुक रहे हैं क्या हम यहां पे? 10 रुपए में 100 रुपए का मार्केट में मिल रहा है, आप बोलते हो 90 में हमसे ले लेना, आप 3 साल काम कर लो, नहीं चाहिए भाई। तो डेफिनेटली मार्केट प्राइस से बहुत कम होगी, बहुत कम होगी, तभी आपको बेनिफिट है, तभी एम्प्लॉय को बेनिफिट है, एंड दैट प्राइस इज नोन एज एक्सरसाइज प्राइस। नेक्स्ट टर्म, वैल्यू ऑफ ऑप्शन, वैल्यू ऑफ ऑप्शन क्या है? आपको क्या मिला, एक एम्प्लॉय को क्या मिला यहां पे स्टार्ट में? ग्रांट डेट पे कंपनी ने एम्प्लॉय को क्या दिया थाली में रख के? नहीं, शेयर्स नहीं दिए भैया। ग्रांट डेट पे एम्प्लॉय को कंपनी ने क्या दिया थाली में रख के? एक लेटर जिस पे लिखा था कंडीशन फुलफिल करो, हम आपको दे देंगे शेयर्स। तो आपको मिला था एक ऑप्शन, आपको मिला था एक ऑप्शन, कंपनी ने आपको एक ऑप्शन दिया था। सर ऑप्शन में बहुत क्लियर सामने लिखा हुआ है,
3 साल काम कर लो, कंपनी के शेयर ले जाओ इस प्राइस पे, या कंपनी का प्रॉफिट 20% से बढ़ा दो, कंपनी के शेयर ले जाओ इस प्राइस पे, ये ले जाओ, ऑप्शन दिया है ना, ठीक है। अब आपको कोई चीज मिलती है, कुछ भी मिलता है, यदि आपको कोई चीज मिलती है तो क्या उसकी वैल्यू नहीं चेक करते हो? मैं आपको बोलूं कि यार एक काम कर भाई प्रशांत, 2 साल मेरे यहां पे काम कर, 1 साल पूरा काम कर, आराम से लग के मेहनत कर, साल के एंड में गिफ्ट दूंगा, क्या दोगे सर? इंटरेस्ट किस चीज में है? इंटरेस्ट ये नहीं कि गिफ्ट मिलेगा, इंटरेस्ट इस चीज में है कि गिफ्ट क्या मिलेगा। लेकिन भाई क्लियर बताऊं, इंटरेस्ट इस चीज में भी नहीं है कि गिफ्ट क्या मिलेगा। हाँ, असली इंटरेस्ट तो इस चीज में है कि गिफ्ट कितने का मिलेगा। तो अल्टीमेटली कितना वैल्यू मालूम होना जरूरी है ना। हमने कंपनी ने यहां बोल दिया कि सर हम आपको शेयर्स देंगे, लेकिन सर उस शेयर से मुझे फायदा कितना मिलेगा? तो जो ऑप्शन आप मुझे दे रहे हो, उस ऑप्शन की वैल्यू क्या होगी ये मुझे बताओ। ये एम्प्लॉय को भी मालूम होना चाहिए और कंपनी को भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉय को तो मिल रही है वो वैल्यू और कंपनी की जेब से लॉस हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, उतनी वैल्यू का कंपनी की जेब से जा रही है वो वैल्यू। तो बोथ मस्ट नो कि वैल्यू क्या मिलेगी। तो हम उस ऑप्शन की वैल्यू निकालने कैसे निकालेंगे? तो यहां हमें 2 मेथड मिल जाते हैं, एक फेयर वैल्यू और या फिर इंट्रिंसिक वैल्यू। फेयर वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू, वैल्यू ऑफ ऑप्शन, फेयर वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू। सर बहुत अजीब सा हो रहा है अब थोड़ा सा, ये कहां से आ गई वैल्यू? चलो मैं एक सिंपल सी बात करता हूं, अपने आप आंसर करोगे। मैं आपको बोल रहा हूं मैं कंपनी का शेयर दूंगा आपको कितने में? 10 रुपये में, और इसको बोलते हैं हम एक्सरसाइज प्राइस। आप उस दिन जाके देख लो कंपनी के शेयर की प्राइस क्या चल रही है। सर कंपनी के शेयर की मार्केट प्राइस चल रही है 100 रुपये, देख लो अब क्या वैल्यू मिल रही है आपको। अरे यार आपने आंसर दे दिया, मुझे क्या बताने की जरूरत है। आपको कितने रुपए की वैल्यू मिल रही है? 90 रुपये की वैल्यू मिल रही है। हर एक ऑप्शन आपको 90 रुपीज का प्रॉफिट दे रहा है। 10 रुपए में कंपनी से शेयर लेना, मार्केट प्राइस 100 रुपए चल रही है, कंपनी के उस ऑप्शन की जो कंपनी ने आपको दिया उसकी वैल्यू कितनी है? 90 रुपी। ये जो वैल्यू निकालने का तरीका है ये है इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकलेगी? आंसर आ गया हमारे पास, मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस, इंट्रिंसिक वैल्यू। तो वैल्यू का मतलब व्हाट बेनिफिट, अल्टीमेट बेनिफिट, द फाइनल बेनिफिट इन फॉर्म ऑफ मनी एम्प्लॉय विल गेट, दैट इज इंट्रिंसिक वैल्यू। हमने यहां निकाला पहला तरीका। सर ये फेयर वैल्यू क्या है फिर? देखो हर चीज फ्री में तो मिलती नहीं है, काम तो करना ही पड़ता है। जब कंपनी इस तरह का ऑप्शन देती है तो कई रिस्ट्रिक्शंस भी लगाती है। रिस्ट्रिक्शन अपनी जगह, कंडीशंस अपनी जगह, लेकिन एक और चीज है मार्केट सिनारियो। मार्केट सिनारियो भी तो चेंज होता रहेगा, मार्केट सिनारियो भी तो चेंज होगा। तो आफ्टर एनालाइजिंग ऑल दी फैक्टर्स, मार्केट सिनारियोज, मार्केट प्राइस, कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी, आपके कमिटमेंट, आपकी कंडीशन, उसके ऊपर लगाए हुए रिस्ट्रिक्शंस, एक वैल्यूअर आता है और वैल्यूअर आके ये बताता है कि सर आपको इतना ज्यादा नहीं मिल रहा। मतलब मैं आपको ये बता रहा हूं यहां पे कि सर 90 रुपये मिल रहा है सर, मैं अब वो आप गए किसी समझदार आदमी के पास, सर 90 रुपये मिल रहा है मुझे कंपनी से, 90 रुपये का फायदा मिल रहा है, ले लूं ये ऑप्शन, रुक जाऊं कंपनी में 3 साल। बोले रुक भाई रुक, पहले ये बता करना क्या क्या पड़ेगा। चल 3 साल तो सर्विस करनी पड़ेगी, अच्छी बात है। और सर उन्होंने ये बोला है कि ये शेयर्स लेने के बाद अगले 3 साल बेच नहीं पाओगे, रिस्ट्रिक्शन लग गया। रिस्ट्रिक्शन आपके असेट की वैल्यू को कम करता है, रिस्ट्रिक्शन आपकी असेट की वैल्यू को कम करता है। बोले सर 90 नहीं, रिस्ट्रिक्शन है इस पे, 20 रुपये तो रिस्ट्रिक्शन का लॉस हो गया एक तरह से। मैं नहीं बता सकता, वैल्यूअर बताएगा। तो वैल्यूअर बैठेगा और वो फेयर वैल्यू एनालाइज करेगा कि एक्चुअली इस ऑप्शन से एम्प्लॉय को अल्टीमेटली कितनी मॉनिटरी बेनिफिट आ रही है। सर हम क्या करेंगे? हम कुछ नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हमें ये क्वेश्चन में गिवन आएगी।
क्लियरली गिवेन आएगी कि फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन इज दिस, दैट्स ऑल। क्लियरली गिवेन आएगी, मुझे दिमाग नहीं लगाना है। सर इंट्रिंसिक वैल्यू के केस में वो मैंने बता दिया, इंट्रिंसिक वैल्यू आपको निकालनी हो सकती है, लेकिन उसके लिए मार्केट प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस गिवेन आएगी। और फेयर वैल्यू के केस में फेयर वैल्यू क्लियरली गिवेन आएगी, कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है। वैल्यू ऑफ ऑप्शन क्लियर, बहुत सिंपल सिंपल टर्म है बाबा, बहुत सिंपल सिंपल टर्म है, बहुत सिंपल सिंपल सा चैप्टर भी है। तो वैल्यू ऑफ ऑप्शन के बारे में क्या समझ में आया, अल्टीमेटली है क्या वैल्यू ऑफ ऑप्शन? बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय, वैल्यू ऑफ ऑप्शन का मतलब बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय। दूसरे तरीके से सोचो तो एक्सपेंसेस ऑफ कंपनी, ये एक्सपेंसेस ऑफ कंपनी, क्लियर है? कंपनी अपने शेयर जिसकी वैल्यू 100 रुपए चल रही है, 10 रुपए में एम्प्लॉय को दे रही है, 90 रुपए का लॉस खा रही है, यानी वो एक्सपेंस बियर कर रही है। और यदि ये एक्सपेंसेस ऑफ कंपनी है किस वजह से, इस ऑफ ऑप्शन देने की वजह से भाई, एम्प्लॉय को ऑप्शन देने की वजह से। यार हम कभी भी कुछ भी कंपनी में, बचपन में आपने पढ़ा होगा, मैं बहुत बचपन की बात कर रहा हूं, 11th क्लास की, हम कुछ भी पे करते हैं तो उसके अगेंस्ट हमें बेनिफिट मिलती है। आपने ये एक्सपेंसेस लिख दिया, एक्सपेंसेस पे किए, तो इस एक्सपेंसेस के अगेंस्ट में तो हमेशा क्या मिलता है हमें, एक्सपेंसेस कंपनी को कब बोलते हैं हम, एक्सपेंसेस वर्ड कब यूज करते हैं, जब उसके बदले में क्या वो बेनिफिट किस फॉर्म में, जनरली सर्विस की फॉर्म में, मॉनिटरी बेनिफिट कहीं ना कहीं। तो आप ये जो एक्सपेंस बियर कर रहे हो, कंपनी जो एक्सपेंस बियर कर रही है, उसमें कंपनी को इस एक्सपेंसेस के अगेंस्ट में क्या मिल रहा है, एम्प्लॉय का कमिटमेंट, एम्प्लॉय का कमिटमेंट। एम्प्लॉय ने कमिटमेंट किया कि तीन आपकी कंडीशन पूरी करूंगा, या तो वो 3 साल 4 साल 5 साल मेरी कंपनी में रुकेगा और मुझे सर्विस देगा, ये मिल रहा है, या फिर वो मेरा प्रॉफिट एक अलग लेवल पे लेके जाएगा, या मेरे शेयर की प्राइस अलग लेवल पे। तो अल्टीमेटली कंपनी इज गेटिंग समथिंग आउट ऑफ दैट। अभी ये जो कंपनी ने 90 रुपए खर्च किए, नया पॉइंट लेके चल रहा हूं, ये जो 90 रुपीज खर्च किए, ये जो कंपनी के एक्सपेंसेस हुए, ये कंपनी के एक्सपेंसेस किस पीरियड के एक्सपेंसेस हैं, ये किस पीरियड के एक्सपेंसेस हैं भाई? एक्सपेंसेस हुए तो एक्सपेंसेस को राइट ऑफ तो करना ही पड़ेगा ना, और एक्सपेंसेस राइट ऑफ कब होते हैं, मैचिंग कॉन्सेप्ट, जिस पीरियड में जब उससे बेनिफिट मिलता है तब राइट ऑफ होते हैं। तो ये जो 90 रुपीज के एक्सपेंसेस हुए हैं पर शेयर, इसके एक्सपेंसेस को राइट ऑफ कितने पीरियड में करोगे, जितने पीरियड का बेनिफिट, किस पीरियड में मिल रहा है एम्प्लॉय से बेनिफिट आपको भाई, सो सॉरी देर वॉज अ स्मॉल टेक्निकल इशू, देर वॉज अ स्मॉल टेक्निकल इशू, सो बीच में ब्रेकडाउन हो गया था, लेकिन इस ब्रेकडाउन के बाद कंटिन्यू करता हूं वहीं से वापस। एंड व्हाट वी वर डिस्कसिंग, यस, सो ये जो 90 रुपीज का एक्सपेंसेस हमारा हुआ, कंपनी का जो 90 रुपीज का एक्सपेंसेस हुआ, व्हाट कंपनी विल डू, कंपनी हैज टू राइट ऑफ दिस, कंपनी हैज टू राइट ऑफ दिस। लेकिन हमारे पास वही ऑप्शन कंडीशन आती है, कंपनी से राइट ऑफ किस पीरियड में करेगी, तो जिस पीरियड में हमें इस एक्सपेंस के अगेंस्ट में सर्विस मिली है, बेनिफिट मिला है, हमें उसी पीरियड में इसको राइट ऑफ करना है। और वो पीरियड कौन सा है, ये वाला पीरियड। और ये पीरियड को नाम क्या दिया था हमने, कौन सा पीरियड है ये पूरा, वेस्टिंग पीरियड। So, ये जो एक्सपेंसेस हमारे पास थे, वैल्यू ऑप्शन ऑफ विल बी रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग वेस्टिंग पीरियड। हमें ये पूरा वैल्यू ऑफ ऑप्शन
ये पूरा वैल्यू ऑफ ऑप्शन, वैल्यू ऑफ ऑप्शन का मतलब ये जो एक्सपेंसेस कंपनी को हो रहे हैं, एक्सपेंसेस का मतलब ये जो कंपनी अपने एम्प्लॉय को कम प्राइस पे शेयर्स ऑफर कर रही है उसको राइट ऑफ करेगी, और वो राइट ऑफ करेगी उस पूरे पीरियड में जिस पीरियड में कंपनी को एम्प्लॉय ने कंडीशन फुलफिल करके दिया, दैट इज सर्विस करके दिया, एंड दैट इज नोन एज वेस्टिंग पीरियड। क्लियर? अभी मैं आपको यहां एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेके बोलूं कि देर आर 1000 एम्प्लॉयज इन द कंपनी एंड एवरी एम्प्लॉय ऑफर्ड 200 ऑप्शंस, शेयर ऑप्शंस एट द प्राइस ऑफ 10 रुपीज पर शेयर, हुज मार्केट प्राइस इज करंटली 50 रुपीज पर शेयर एंड वेस्टिंग पीरियड इज 3 ईयर्स, तो क्या होगा? तो क्या करें सर? सबसे पहले तो हम ये निकाल लें कि हमारा वैल्यू ऑफ ऑप्शन क्या आ रहा है, मतलब कंपनी को टोटल खर्चा कितना लग रहा है। आज की डेट में कंपनी के 1000 एम्प्लॉई हैं और हम ये मान के चल रहे हैं कि सारे एम्प्लॉई ये ऑफर सुनने के बाद कंपनी में 3 साल का वेस्टिंग पीरियड सर्व करेंगे, और इतना अच्छा हमारा ऑफर है कि वो 3 साल बाद सारे के सारे इस ऑप्शन को अवेल भी करेंगे, एक्सरसाइज भी करेंगे। यदि हम ऐसा सोच ले आज की डेट में, तो टोटल 50 रुपीज का शेयर 10 रुपए में दे रहे हैं, 40 रुपीज पर शेयर इज वैल्यू ऑफ ऑप्शन। यही है, हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑप्शन वी आर गिविंग टू देम, कितने ऑप्शन दे रहे हो सर? 1000 एम्प्लॉय में हर एम्प्लॉय को 200 ऑप्शन दिया है, मतलब हम 2 लाख शेयर्स देने वाले हैं। ये भी क्लियर है? दोनों बात क्लियर? कंपनी ने अपने 1000 एम्प्लॉय को ये ऑफर दी कि सर आप कंपनी को 3 साल तक सर्विस दो, 3 साल बाद हम आपको एक ऑप्शन दे रहे हैं कि आप कंपनी का शेयर जिसका करंट मार्केट प्राइस 50 रुपीज चल रहा है, 10 रुपीज पे सब्सक्राइब कर सकते हो। और हम आज की डेट में ये अज्यूम कर रहे हैं, ये हमें एस्टिमेट करना पड़ेगा। देखो वेरी क्लियरली, एस्टिमेशन, फ्यूचर एक्सपेंसेस एस्टिमेट करने पड़ेंगे, क्योंकि एक्चुअली अभी तक तो एक्सपेंसेस हुए नहीं है। एस्टिमेट करने के बाद पहले एक्सपेंसेस का एस्टिमेशन लगाओगे, एक्सपेंसेस का एस्टिमेशन लगाने के बाद उस एक्सपेंसेस को एस्टिमेशन के बेसिस पे राइट ऑफ करो। टेक्निकल है, आगे चलेंगे धीरे धीरे, अभी बहुत सिंपल सी बात कर रहा हूं। हमने बोला 3 साल तक कंपनी को सर्विस दो, 3 साल की सर्विस पूरी होने के बाद आप कंपनी के 200 शेयर्स, हर एम्प्लॉय को बोल रहे हैं हम, आप कंपनी के 200 शेयर्स जिसका करंट मार्केट प्राइस 50 रुपी है, 10 रुपए में हमसे ले सकते हैं। तो आज की डेट में क्या एक्सपेक्टेशन है कि कितना खर्चा हो जाएगा? तो हमने पहले तो वैल्यू ऑफ ऑप्शन चेक की। वैल्यू ऑफ ऑप्शन सर इंट्रिंसिक वैल्यू, क्योंकि फेयर वैल्यू गिवन नहीं है। क्या इंट्रिंसिक वैल्यू? मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस। 10 रुपीज इज योर एक्सरसाइज प्राइस, 50 रुपीज इज योर मार्केट प्राइस, तो वैल्यू ऑफ ऑप्शन इज मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस, दैट इज 40 रुपीज पर ऑप्शन। अब दूसरा ये मालूम करो कि आप क्या उम्मीद कर रहे हो, आप क्या उम्मीद कर रहे हो कि कितने ऑप्शन एम्प्लॉय ले लेंगे? सर मैं तो मान के चल रहा हूं पूरे ले लेंगे, पूरे मतलब पूरे के पूरे 1000 एम्प्लॉय ऑप्शन एक्सेप्ट कर लेंगे, और पूरे के पूरे 1000 एम्प्लॉय रुकेंगे कंपनी में। ये आज की एग्जम्पशन है, मेरी अजम्पशन है, या आज की एक्सपेक्टेशन। ठीक है, तो आप मतलब 2 लाख शेयर कंपनी इशू करेगी, तो आपका टोटल वैल्यू ऑफ ऑप्शन कितना हो जाएगा? टोटल वैल्यू ऑफ ऑप्शन, टोटल लॉस कितना हो जाएगा, टोटल खर्चा कितना हो जाएगा सर? 2 लाख * 40, यही होगा मेरा टोटल खर्चा। कितना हो गया सर? एडी लाख। 1000 एम्प्लॉय, हर एम्प्लॉय को 200 शेयर, तो 2 लाख तो शेयर हो गए, और हर शेयर पे कंपनी को 40 रुपए का खर्चा आ रहा है, तो टोटल 80 लाख रुपया खर्चा हो जाएगा। बिल्कुल हो गया सर 80 लाख रुपए का, 80 लाख रुपी का एक्सपेंसेस हो गया कंपनी का। ये जो एक्सपेंस है ये कंपनी करेगी राइट ऑफ। ये एक्सपेंस कितने पीरियड का है? कब रिकॉग्नाइज करोगे इस एक्सपेंस को? आज।
या फिर 3 साल के बाद वेस्टिंग पीरियड, चलो राउंड राउंड फिगर करने के लिए वेस्टिंग पीरियड को मैं 3 साल की जगह 4 साल कर देता हूं, आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी यार, और कुछ नहीं है। तो वेस्टिंग पीरियड 4 ईयर, तो ये खर्चा आज रिकॉग्नाइज करोगे या 4 साल बाद? आज। लेकिन क्या खर्चा आज रिकॉग्नाइज करके आज ही राइट ऑफ कर दोगे? नहीं, इसे राइट ऑफ करेंगे इससे मिलने वाले बेनिफिट के पीरियड में। इसका बेनिफिट कितने पीरियड तक मिल रहा है? 4 ईयर, 4 ईयर तक सर्विस करेगा ना ड्यू टू दिस। तो मैं इस 80 लाख को 4 साल में इक्वली हर साल 20 लाख रुपीज राइट ऑफ करता चलूंगा। क्लियर? बस ये काम करना है। यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑप्शन, यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ ऑप्शन विल बी एक्सरसाइज्ड बाय द एम्प्लॉई, देन कैलकुलेट टोटल एक्सपेंसेस द कंपनी हैज टू बेयर and write off that expenses during this vesting period in the proportionate manner। ये हो गया। तो पहले साल कितना expenses write off हो गया हमारा, दूसरे साल 20 लाख, तीसरे साल भी 20 लाख, चौथे साल भी 20 लाख। अब मैं मान डेट है मेरी 1 अप्रैल, तो मैंने पहला 31 मार्च 2020 को पहली इंस्टॉलमेंट 20 लाख की राइट ऑफ कर दी। अब अगले साल मुझे ये पता चला मेरे 200 एम्प्लॉई कंपनी छोड़ के चले गए, मेरे 200 एम्प्लॉई कंपनी छोड़ के चले गए, गड़बड़ हुई क्या कुछ? क्या? वैल्यू ऑफ ऑप्शन टोटल एक्सपेंसेस चेंज हो गए। एस्टिमेशन ही था ना पहले 1000 एम्प्लॉई का, अभी एम्प्लॉई बचे 800। वापिस से पूरी कैलकुलेशन करूं? बिल्कुल करो। क्या करो? यहां भी और यहां भी। अब मेरे नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने होंगे? 800 मल्टीप्लाई बाय 200, 1,60,000, यही होगा। और ये 1,60,000 से टोटल वैल्यू ऑफ ऑप्शन क्या निकल के आएगी? 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय 40, 64 लाख रुपी का खर्चा होगा मेरा। पहले साल मेरा ये एस्टिमेशन था कि पूरे 1000 एम्प्लॉय मेरे यहां रहेंगे सर, तो मेरे हिसाब से मेरा जो लॉस होने वाला था वो 80 लाख का होने वाला था। दैट वॉज क्लियर। एक साल, उस साल के हिसाब से मैंने 4 साल में उस खर्चे को डिवाइड किया और पहले साल 20 लाख रुपी राइट ऑफ कर। एक साल निकलने के बाद अब मुझे कंफर्म हो गया कि मेरे 200 एम्प्लॉय सर जॉब ऑलरेडी छोड़ गए, तो अब मैक्स टू मैक्स कितने एम्प्लॉय को आप ऑप्शन दे पाओगे? 800 बचे। मैं अब भी मान के चल रहा हूं कि यार ये 800 तो रुकेंगे सर, पहले उम्मीद है धराशायी हो गए, अभी आप वापिस उम्मीद है, हाँ अभी फिर उम्मीद है मुझे 800 तो रुकेंगे यार, कोई बात नहीं 200 चले गए। तो 800 ऑप्शन के हिसाब से 1,60,000 शेयर्स मुझे अलॉट करने पड़ेंगे, हर शेयर पे मुझे 40 रुपीस की वैल्यू आती है, मेरा टोटल लॉस कितना हो गया? 64 लाख। अब इस हिसाब से यदि मैं राइट ऑफ करता तो ये 64 लाख कितने साल में राइट ऑफ होने चाहिए थे? होने तो 4 इंस्टॉलमेंट में चाहिए थे, जिसमें से एक ऑलरेडी हो चुकी, तो पर ईयर कितनी इंस्टॉलमेंट बनती है? 16 लाख की। थोड़ा समझना, मैं इसका शॉर्टकट बताऊंगा इजी वे में। पर ईयर 16 लाख की इंस्टॉलमेंट बनती है। 2 साल पहले साल की राइट ऑफ हो गई, इस साल कितनी एक और राइट ऑफ हो जाएगी, तो इस साल के एंड तक टोटल कितना अमाउंट राइट ऑफ हो जाना चाहिए था? सर पिछले साल का 16 लाख, इस साल का 16 लाख, टोटल मिला के 32 लाख राइट ऑफ हो जाना चाहिए था। इसमें से पिछले साल कितना राइट ऑफ कर चुके? सर 20 लाख हम ऑलरेडी राइट ऑफ कर चुके हैं, इसका मतलब 12 लाख रुपए और राइट ऑफ कर दो इस साल। समझ, ये प्रोपोर्शनेट मैनर। एस्टिमेशन विल चेंज, सिचुएशन विल चेंज, बिकॉज ऑफ दैट अमाउंट ऑफ लॉस विल चेंज, एंड इफ ऑलरेडी सम अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस हैज बीन रिटर्न ऑफ देन वी हैव टू रिवाइज इट।
बट रिवीजन ऐसा तो हो नहीं सकता कि पिछले साल जाके वो 20 लाख राइट ऑफ किया, उसमें से 4 लाख वापस निकाल के लाऊंगा। इस साल वो जो राइट ऑफ करना है उसमें से वो अमाउंट हम रिड्यूस कर दें। तो सर ऐसे हर साल यदि एक्सपेक्टेशन चेंज होगी, हर साल वैल्यू चेंज होगी, तो हर साल इतनी सारी कैलकुलेशन करेंगे? हाँ, हर साल इतनी शॉर्टकट निकाल लेते हैं। क्यू ऑफ ऑप्शन टू बी रिटर्न ऑफ, वैल्यू ऑफ ऑप्शन टू बी रिटर्न ऑफ का एक फॉर्मूला बना देता हूं सर, बहुत सिंपल सा। वैल्यू ऑफ ऑप्शन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ऑप्शन, वैल्यू ऑफ ऑप्शन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ऑप्शन टू बी एक्सरसाइज्ड, एक्सपेक्टेशन की बात कर रहा हूं, मल्टीप्लाई बाय वेस्टिंग पीरियड लैप्स्ड डिवाइडेड बाय टोटल वेस्टिंग पीरियड। माइनस अमाउंट ऑलरेडी रिटर्न ऑफ इन पास्ट ईयर्स, ये बन गया आपका डायरेक्ट फॉर्मूला। कितना अमाउंट मुझे हर साल राइट ऑफ करना है, मैं उसे हर साल कैलकुलेट करूंगा सब्जेक्ट टू की कंडीशन सिचुएशंस आर चेंजिंग रेगुलरली, एस्टीमेशंस आर चेंजिंग रेगुलरली। पहले साल उम्मीद थी कि 1,000 एम्प्लॉय को ऑप्शन देना पड़ेगा, अगले साल उम्मीद पे पानी फिर गया और 800 एम्प्लॉय बचे कंपनी में, फिर भी उम्मीद है कि 800 को हम ऑप्शन देंगे, एस्टिमेशन चेंज हो गया, एक्सपेंसेस टू बी रिटर्न ऑफ भी चेंज होने लगेंगे। लेकिन यदि आपका कोई एस्टिमेशन चेंज नहीं होता तो कोई प्रॉब्लम है? फिर तो हर साल 20 लाख 20 लाख 20 लाख 20 लाख राइट ऑफ हो जाएगा। अब यदि इसी चीज को मैं पूरा एक एग्जाम्पल बना के कैलकुलेट करके बताता हूं कि सर कैसे निकलेगा, तो एक बढ़िया सा एग्जाम्पल लिख लेते हैं। सिर्फ कैलकुलेशन की बात कर रहा हूं, अभी अकाउंटिंग प्रोसीजर, अकाउंटिंग एंट्रीज और ट्रीटमेंट की बात ही नहीं की है मैंने। एक एग्जाम्पल लिखते हैं, कंपनी गिव और ग्रांट वन टू इट्स एट एक्सरसाइज प्राइस ऑफ ₹20, करंट मार्केट प्राइस इज ₹100 पर शेयर, करंट मार्केट प्राइस इज ₹100 पर शेयर, वेस्टिंग पीरियड is of 4 years, वेस्टिंग पीरियड इज ऑफ 4 years, चलो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट और कर देते हैं, वेस्टिंग पीरियड इज ऑफ 2.5 years, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 50, ठीक है, 1 year employees leave left the company in 2 more employee left the company, ठीक है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस टू बी रिटर्न ऑफ, बताओ कैसे निकालें, कितना अमाउंट हमें राइट ऑफ करना है हर साल। तो सबसे पहले तो कैलकुलेट करते हैं, फर्स्ट ईयर की बात करते हैं, फॉर्मूला सीधा फॉर्मूले से चले, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑप्शन, वैल्यू ऑफ ऑप्शन क्या है, 100 रुपए का मार्केट प्राइस, एक्सरसाइज प्राइस 20, तो वैल्यू ऑफ ऑप्शन इज 80,
वैल्यू ऑफ ऑप्शन आ गई सर, पहले तो स्ट्रेट फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ ऑप्शन आ गई 80 रुपीज। कितने एम्प्लॉई आप एक्सपेक्ट कर रहे हो? 50। और हर एम्प्लॉई को कितने शेयर्स आप दे रहे हो? 1000। ये हो गए आपके नंबर ऑफ ऑप्शन। एवरी एम्प्लॉय विल गेट 1000 शेयर्स एंड दे आर 50 एम्प्लॉयज इन माई कंपनी। आई एम एक्सपेक्टिंग ऑल विल गेट दी ऑप्शन, ऑल विल एक्सरसाइज दी ऑप्शन एंड पर ऑप्शन माई वैल्यू इज 80 रुपीज। इट इज माई टोटल एक्सपेंसिस राइट नाउ रिक्वायर्ड टू बी रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ टोटल वेस्टिंग पीरियड कितना है? 2.5। और लैप्स कितना हो चुका? पहला साल है ना, तो एक साल उसमें से ऑलरेडी लैप्स हो चुका। ये आ गया आपका फर्स्ट ईयर का। कैलकुलेट करो, 80 50 1000 डिवाइडेड बाय 2.5, 16 लाख रुपीज। 16 लाख रुपीज पहले साल आप राइट ऑफ कर दोगे, अज्यूमिंग कि ऑल आर टेकिंग दी ऑप्शन। तो इससे 2.5 साल में पूरा राइट ऑफ हो जाएगा। सेकेंड ईयर, व्हाट हैपन इन सेकेंड ईयर? सेकेंड ईयर का कैलकुलेट कर लेते हैं। 80 वैल्यू ऑफ ऑप्शन, नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिड्यूसेस टू 45। तो मेरा खर्चा अब वेस्टिंग पीरियड 2.5, कितना टाइम निकल चुका? 2 साल लैप्स हो चुके, तो लैप्स्ड वेस्टिंग पीरियड 2 साल। और हमने आगे क्या किया था? हमने आगे किया था कि पिछले, ये तो वो अमाउंट है जो राइट ऑफ आज तक हो जाना चाहिए था, 2 साल के अंदर राइट ऑफ हो जाना चाहिए था। इसमें से 16 लाख हम लास्ट ईयर राइट ऑफ कर चुके हैं। अभी और कितना करना है? अभी और कितना करना है? 80 मल्टीप्लाई बाय 45 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2.5, 28 लाख 80,000। उसमें से 16 लाख ऑलरेडी राइट ऑफ हो गया, 12 लाख 18,000 विल बी द अमाउंट जो हमें इस साल राइट ऑफ करना चाहिए। क्लियर? आप चाहें तो इसको ऐसे लिख लें ताकि ध्यान रहे। 28 लाख 80,000 माइनस ऑलरेडी रिटर्न ऑफ 16 लाख, तो आपका अमाउंट टू बी रिटर्न ऑफ दिस ईयर इज 1280। थर्ड ईयर आ गया सर। थर्ड ईयर, व्हाट हैपन? टू मोर एम्प्लॉय लेफ्ट दी कंपनी। तो अब आपके पास ऑप्शन कितने हुए? 43 एम्प्लॉयज। कितने साल एक्सपेंड हो चुके, लैप्स हो चुके? पूरे 2.5 साल। 2.5 साल का ही तो वेस्टिंग पीरियड था, पूरा 2.5 साल खत्म हो चुका। चलो माइनस आज तक कितना रिटर्न ऑफ हो चुका है? 28 लाख 80,000। तो व्हाट इज द वैल्यू? 80 मल्टीप्लाई बाय 43,000, 34 लाख 40,000 विल बी द टोटल अमाउंट जो आज तक राइट ऑफ हो जाना चाहिए था। उसमें से 28 लाख 80,000 ऑलरेडी राइट ऑफ हो चुके, 5 लाख 60,000 अब हम इस साल राइट ऑफ कर देंगे। फर्स्ट ईयर 16 लाख, सेकेंड ईयर 1280, थर्ड ईयर 560। ये है अमाउंट टू बी रिटर्न ऑफ इन 3 ईयर्स, बिकॉज वेस्टिंग पीरियड इज 2.5, तो 2.5 में पूरा खत्म हो जाना चाहिए। एस्टिमेशन चेंज होता जा रहा है। पहले हम पूरे 50 एम्प्लॉय एक्सपेक्ट कर रहे थे, 5 छोड़ के चले गए। अगले साल एस्टिमेशन 45 का बचा, 2 और चले गए, तो अगले साल एस्टिमेशन 43 का बचा। तो अमाउंट टू बी रिटर्न ऑफ भी अकॉर्डिंगली चेंज होता जाएगा। सर कभी ऐसा हो सकता है कि हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा राइट ऑफ कर चुके? हो सकता है। मान लो ये 2 नहीं, यहां 20 एम्प्लॉय छोड़ के चले गए, बहुत नाराज हो गए कंपनी, और 20 एम्प्लॉय एक साथ छोड़ के चले गए, तो अब बचे कितने? 25। 25 से यदि मैं निकाल के देखूं तो 20 लाख रुपए ही राइट ऑफ होने चाहिए थे। मैं ऑलरेडी 28 लाख 80,000 राइट ऑफ कर चुका, तो क्या करना पड़ेगा? 8 लाख 80,000 रिकवर करना पड़ेगा।
तो रिकवर करना पड़ेगा 8,80,000 रुपी, पीएनएल से वापस निकालना पड़ेगा, एक्सपेंसेस से वापस निकालना पड़ेगा और उसे जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा। ऐसा सिचुएशन भी हो सकता है। बात करेंगे इन सारी सिचुएशन पे, और भी बहुत कुछ है अभी डिस्कस करने के लिए इस चैप्टर में, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जनरल एंट्री, लेकिन आज का जो पूरा डिस्कशन था वो आपको यहां तक समझ में बात आ गई। हमने स्टार्ट किया ESOP एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान, एंड इन विच वी अंडरस्टैंड द थिंग्स व्हाई कंपनी गिव्स द ऑप्शन टू द एम्प्लॉइज, हाउ द ऑप्शन वर्क्स एंड हाउ द एम्प्लॉइज बेनिफिटेड विद दिस एंड हाउ कंपनी विल बी बेनिफिटेड विद दिस। टर्मोलॉजीज, ग्रांट डेट, वेस्टिंग, वेस्टिंग पीरियड, एक्सरसाइज डेट, एक्सरसाइज प्राइस, वैल्यू ऑफ ऑप्शन, वैल्यू ऑफ ऑप्शन में फेयर वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू, और उसके बाद उस वैल्यू को राइट ऑफ कैसे करना है उसका कैलकुलेशन। सो सबसे इंपॉर्टेंट यहां तक ये रहा हमारा वो फॉर्मूला दैट यू हैव टू राइट डाउन इट केयरफुली क्लियरली दिस वन, जिससे अल्टीमेटली हमारा सारा काम होने वाला है। सो होपफुली आपको बात सारा समझ में आया, जस्ट गो थ्रू इट एंड मिलेंगे कल फिर, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे विथ सम मोर कॉन्सेप्ट, रिमेनिंग कॉन्सेप्ट, एंड देन वी विल जंप ऑन क्वेश्चन। टिल देन बाय, सी यू, हैव ए नाइस डे।